नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राहत के। विनायक दामोदर सावरकर, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? सुना तो जरूर होगा। ये वही हैं जिन्हें एक नाटक के कलाकार ने वीर की उपाधि दे दी और फिर इन्होंने अपने नाम के आगे खुद वीर लगा लिया और बन गए वीर सावरकर। आज बताऊंगा कि कैसे एक सच्चे स्वयंसेवक थे जिन्होंने अंग्रेजों से अपनी रिहाई के बदले जो वचन दिया था उसे कैसे अंत तक निभाया। सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के मदद के लिए और भी कई काम किए। बस जुड़े रहिए अंत तक। मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार और जो भी दर्शक वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विनायक दामोदर सावरकर यानी स्वघोषित वीर 1910-11 तक क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। जब पकड़े गए और 1911 में उन्हें अंडमान की कुख्यात जेल में डाल दिया गया। उन्हें 50 वर्षों की सजा हुई लेकिन सजा शुरू होने के कुछ महीनों में ही उन्होंने अंग्रेज सरकार के समक्ष माफी की याचिका डालनी शुरू कर दी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने कई याचिकाएं लगाई। अपनी याचिकाओं में उन्होंने अंग्रेजों से यह वादा किया कि यदि मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से खुद को अलग कर लूंगा और ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभाऊंगा। अंडमान जेल से छूटने के बाद उन्होंने यह वादा निभाया भी और 1964 जब तक जीवित रहे कभी किसी क्रांतिकारी गतिविधि में न शामिल हुए न पकड़े गए न आजाद भारत में कोई योगदान दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार को किए गए वादों पर शब्दशः कायम रहे। 1937 में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में सावरकर ने कहा था कि आज यह कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एकता में पिरोया हुआ राष्ट्र है। इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्यतः दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दोनों दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। मतलब सावरकर अंग्रेजों के सिद्धांत के ही तहत फूट डालो वाले फार्मूले पर काम करना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान के तौर पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। इतिहास में इसे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। 15 अगस्त 1943 को नागपुर में सावरकर ने कहा था, मिस्टर जिन्ना की टू नेशन थ्योरी से मेरा कोई झगड़ा नहीं, हम हिंदू स्वयं में एक राष्ट्र हैं और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। यहां भी आप देख सकते हैं कि सावरकर ने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन ही किया था। अंग्रेजों को यह पता था कि भारत की आजादी को कैसे टालना है, मतलब सावरकर के माध्यम से। सावरकर ने अपनी वफादारी निभाई और जिन्ना ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की। गांधी के विरोध के बाद भी दो टुकड़ों में बटा हुआ देश स्वीकार करना पड़ा, जबकि आज भी सावरकर समर्थक साजिशन देश के बंटवारे का दोष नेहरू और गांधी को देते हैं, जबकि यही लोग बड़ी चालाकी से टू नेशन थ्योरी लेकर आए थे। यहां तक कि महात्मा गांधी की हत्या की असफल कोशिशें कई बार हुई लेकिन आखिरकार 30 जनवरी 1948 की शाम साजिशकर्ता अपनी साजिश में कामयाब हो ही गए थे। हत्याकांड के अभियुक्तों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी शामिल था लेकिन उस समय कोर्ट में सबूतों के अभाव में सावरकर छूट गए। 1964 में बाल गंगाधर तिलक के नाती जी वी केटकर ने एक अप्रत्याशित घोषणा की थी कि उन्हें नाथूराम गोडसे के गांधी मर्डर प्लान के बारे में पहले से ही पता था। यह खबर जब अखबारों में आई तो हंगामा मच गया था जिसके बाद गांधी जी की हत्या की पुनः जांच शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया। इस कमीशन की जांच 3 साल तक चली। कमीशन ने 101 गवाहों के बयान के लिए कमीशन ने कुल 162 बैठकें की। जान बचाने के लिए सावरकर को अक्सर ही कोर्ट में सबसे पीछे बैठा देखा जा सकता था। जहां यह बात निकलकर आई कि 28 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे सावरकर के घर आए थे। यही नहीं, दोनों ने यह बात भी कही कि उस दिन सावरकर ने
उसको यशस्वी होकर आने का यानी कामयाब होकर लौटने का आशीर्वाद भी दिया था। कपूर कमीशन की जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिसे पहले की जांचों में शामिल नहीं किया गया था। कमीशन ने कुछ गड़बड़ियों को भी उजागर किया था। कपूर कमीशन का निष्कर्ष था, इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर यही बात प्रमाणित होती है कि सावरकर एवं उनके समूह ने ही गांधी हत्या को अंजाम दिया। अब आप ही तय कीजिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को देशभक्त, वीर, भारत के स्वतंत्रता सेनानी आप मानेंगे जिसने देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम किया। एक बार की सजा के बाद ऐसा डरा कि उसके बाद कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शरीक भी नहीं हुआ, जो अंग्रेजों के फूट डालो सिद्धांत के तहत भारत को तोड़ने की साजिश करता रहा और सफल हुआ और अंग्रेजों के किए वादों को जीवन पर्यंत निभाता रहा। क्या ऐसे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में महिमा मंडन करना सच्चे स्वतंत्रता आंदोलन के योद्धाओं का अपमान नहीं है? यह सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूं क्योंकि हमारा काम है सिर्फ आपको आगाह करना। सही और गलत का फैसला आप खुद कीजिए। तो यह थी हमारी आज की पेशकश, जिसे हम वीर सावरकर कहते हैं उनके लिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको ये इसमें कितनी सत्यता नजर आती है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति है या आपको अपनी बात हम तक पहुंचानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वो मेरे सभी दर्शक, दोस्त, मित्र जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन जरूर हिट कीजिए। इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।